सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद थी तो ईद के दिन तो हर किसी के घर में बहुत काम रहता है। और सेकंड थिंग, मेरी जो बेटी है उसको फीवर हो गया था तो मैं कुछ शूट कर ही नहीं पाई सुबह में। तो अभी फाइनली हम लोग अभी ईद मना रहे हैं रेडी होके। तो और दूसरी बात, मुझे आपको कुछ बोलना था कि जैसे कि अभी ईद में घर पे सब आते जाते हैं तो मैं आज अपनी ननंद और नंदई उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, इंशाल्लाह मेरी सास से भी। और दूसरी बात, मुझे आपको ये बतानी थी कि अभी मेरी जो बेटी है, मैं बताती हूँ आपको, मैं बोलती हूँ तो उसका एक्चुअली बर्थडे है 16th of July को। तो मैंने आपको अपने बेटे को तो दिखाई हूँ लेकिन मेरी बेटी को अभी तक मैंने आपको दिखाई नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उसके बर्थडे के दिन उसका फेस रिवील करूँगी आप सबके सामने इंशाल्लाह। और उसके बर्थडे को लेके जो भी शॉपिंग वगैरह है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी आज ईद है तो मैं एक छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊँगी अभी। तो ये मेरे सास हैं और इसको तो आप जानते हैं, ये शिबान है मेरा बेटा और ये जईम है मेरे ननन का बेटा, और ये है मेरी छोटी ननन और ये मेरे नंदोई है। और ये माशाल्लाह इनकी छोटी सी फैमिली है। और इंशाल्लाह अभी मेरी बड़ी ननन आएंगे तो मैं आपसे उनका भी इंट्रोडक्शन कराऊंगी। अभी हम लोग थोड़े पिक्स वगैरह लेंगे, हर साल हम लोग ईद में ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का खाना वगैरह सब हो चुका है और फोटो सेशन जो मैंने आपको बताई थी वो भी हो गया है। अभी मेरी जो बड़ी ननन, मैं जो बताई थी आपको इंट्रो कराऊंगी, वो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए हैं तो उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। और अभी मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब जा रहे हैं थोड़ा अराउंड के लिए बच्चों को लेके। तो फिर चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई हूँ नरेमन पॉइंट पे, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये जो पीछे ओबेरॉय, एयर इंडिया, वो सब बिल्डिंग्स, होटल्स है। और ईद का दिन है तो यहाँ पर बहुत रश है, देख सकते हो आप। एक्चुअली मैं जा रहती हूँ टाउन में, वहाँ से सब चीज़ें नज़दीक हैं, यानी सब जो पॉइंट्स है, नरमन पॉइंट, वालकेश्वर और डॉक, हाजी अली, गेटवे, हर चीज़ मेरे घर से बहुत नज़दीक है। ये देखिए शिबान को हर चीज़ मेरे घर से बहुत नज़दीक है, बाज़ार से लेके शॉपिंग सब कुछ नज़दीक है मेरे घर से। और मैं सेंटर में हूँ, बाकी सब पॉइंट्स कॉर्नर पे है। तो हम लोग अक्सर ऐसे शाम में यहाँ पर आ जाते, अभी थोड़ा बारिश वगैरह है तो नहीं आते जल्दी। तो आज ईद है तो आ गए। ये देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल होटल है, इसके पीछे वानखेड़े स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, मैं अंधेरा है फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह मैं एक एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर आपको वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ, चौपाटी वगैरह।
बहुत सारी PDP, बहुत सारी चीज़ें यहाँ घूमने की, बहुत जगह है। सब जगह एक एक अलग अलग ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी तो हम लोग राउंड अप पे आए, ऐसी तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वीडियो। देखिए चलो वहाँ जाएंगे, शिबान आओ। हाँ देखिए प्रॉपर आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आई विल कैप्चर। देखिए ये जो है क्वीन नेकलेस, ये अगर आप ऊपर वालकेश्वर से देखोगे तो आपको ये एक नेकलेस के जैसा लगेगा। ये अभी पानी काफ़ी पीछे है, पानी अंधेरा है तो कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है। बहुत रश है, ईद का दिन है लेकिन रश इतना ही है। पहले ब्लॉग रुके गए हैं, फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और रास्ते में आते वक्त बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो चलिए इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।